हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, और इस कोर्स के अंदर हमने एक सीरीज स्टार्ट की है लेजर ग्रुप्स इन टैली प्राइम, और ये हमारा इस सीरीज का पार्ट 4 वीडियो। पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो में हमने बैंक असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड जो लेजर ग्रुप है उन लेजर ग्रुप्स के बारे में सीखा था। आज हम अगले लेजर्स के बारे में सीखेंगे। आज के वीडियो का पहला लेजर ग्रुप है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। द नेम सेज इट ऑल, जितने भी सारे टैक्सेस हम पे करते हैं या फिर एम्प्लॉयज के सैलरी से डिडक्ट करते हैं या फिर किसी और से कलेक्ट करते हैं, उन सारे टैक्सेस के लेजर क्रिएट करने के लिए हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस इस प्राइमरी ग्रुप का यूज करते हैं। और स्टैचुटरी एंड टैक्स लेजर्स, टैक्सेस जैसे GST, TDS, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ESIC, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, इनमें से कुछ टैक्स ऐसे हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं या गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम किसी से कलेक्ट करते हैं या फिर हम हमारे एम्प्लॉयज़ के सैलरी से डिडक्ट करते हैं, तो इन सारे लेजर्स का प्राइमरी ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा डिपॉजिट्स। डिपॉजिट इज अ सिक्योरिटी अमाउंट, रेंट डिपॉजिट देते हैं, मतलब अगर हमने ऑफिस रेंट पे लिया या फिर वेयर हाउस रेंट पे लिया है तो वो ओनर को हम डिपॉजिट देते हैं एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब अगर हमने कोई मशीनरी लीज पे ली है, रेंट पे ली है, तो उस मशीनरी के अगेंस्ट भी हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। यूटिलिटी डिपॉजिट मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट भी हमें डिपॉजिट पे करना पड़ता है पहले, क्योंकि हम पहले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसके बाद हम उसका बिल पे करते हैं, तो यूटिलिटी डिपॉजिट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डिपॉजिट पे करना भी जरूरी है। ये सारे डिपॉजिट्स जो रहते हैं वो रिफंडेबल रहते हैं, और डिपॉजिट कलेक्ट करने का यही एक मेन पर्पज़ रहता है कि अगर कि हम जो ऑफिस, वेयर हाउस या फिर मशीनरी जो रेंट पे ले रहे हैं तो उसमें कुछ डैमेज हो जाए तो वो डैमेज के अगेंस्ट पहले से ही जो ओनर है वो एक सिक्योरिटी अमाउंट कलेक्ट करके लेता है, तो वो डिपॉजिट है। तो ऐसे जो भी डिपॉजिट हम पे कर रहे हैं ओनर को, तो उस डिपॉजिट का लेजर क्रिएट करने के लिए हम डिपॉजिट्स इस लेजर ग्रुप का यूज करेंगे। थर्ड ग्रुप है हमारा फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स मतलब जो भी लॉन्ग टर्म यूज के हमारे असेट्स रहते हैं वो सारे फिक्स्ड असेट्स रहते हैं, जिनकी लॉन्ग लाइफ रहती है और जिनका हम बहुत सालों तक यूज करने वाले होते हैं। फिक्स्ड असेट्स आर टेंजिबल ऑब्वियसली और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू कैश क्विकली, मतलब जो ऐसे असेट्स जो हम क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे देखते हैं कि फिक्स्ड असेट के कुछ एग्जांपल है, फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है आपकी वो आपकी फिक्स्ड असेट है, मशीनरी जो आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स्ड असेट हो गई आपकी, आपके ऑफिस में जो कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स है, व्हीकल्स जो है आपकी कंपनी की आप ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रक्स यूज़ करते हैं या फिर आपके एम्प्लॉयज़ के ट्रैवलिंग के लिए जो बसेस है आपकी या फिर कार्स रहेंगी तो वो व्हीकल्स आपकी फिक्स्ड असेट है। फर्नीचर एंड फिक्स्चर आपके ऑफिस का फर्नीचर, फैक्ट्री का फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी अगर आपकी कंपनी कोई लैंड ओन करती है या फिर जो भी आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है वो अगर आपकी खुद की है तो वो भी आपकी फिक्स्ड असेट हुई। और सबसे मेन फिक्स्ड असेट है हमारा गुडविल। तो फ्रेंड्स, आप फैक्ट्री, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनें, इन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, लेकिन गुडविल एक ऐसा फिक्स्ड असेट है जिस पे हम डेप्रिसिएशन काउंट नहीं कर सकते। तो ये है कुछ फिक्स्ड असेट। अब इन फिक्स्ड असेट का लेजर क्रिएट करने के लिए हम फिक्स्ड असेट्स इस लेजर ग्रुप का यूज करेंगे। फोर्थ ग्रुप है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग्स हम करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट्स रहती है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी अगर कोई हम खरीद रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, कुछ असेट्स खरीद रहे या फिर फंड्स या फिर पॉलिसीज जैसे म्यूचुअल फंड्स रहता है या फिर कोई LIC की पॉलिसी है, तो ऐसे सेविंग्स का लेजर क्रिएट करते वक्त हम इन्वेस्टमेंट इस लेजर ग्रुप का यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म सेविंग्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, डिपॉजिट्स, फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स इन लेजर ग्रुप के बारे में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़रूर से सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना, ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है टू दिया पटेल। इस चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करना। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, यहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियोस की PDF नोट्स भी मिलेंगी। थैंक यू सो मच।